यूनानी तरीके इलाज की तबाही और यूनानी का मुस्तकबिल तारीख कर देने की कोशिशों के खिलाफ यूनानी के जूनियर डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। यूनानी के जूनियर डॉक्टर्स ने इल्ज़ाम लगाया है कि न सिर्फ मरकजी हुकूमत बल्कि तेलंगाना हुकूमत भी यूनानी को तबाह करने के दर पे है। नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नई दिल्ली की जानिब से 19 सितंबर को एक इलामिया जारी करते हुए एक माह तवील आयुर्वेदिक तरीके इलाज के फरोग की हिदायत दी गई है और 23 अक्टूबर को कौमी सतह पर बड़े पैमाने पर आयुर्वेद डे मनाने की हिदायत दी गई है। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी माह की 6 तारीख को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 960 मेडिकल पोस्ट जारी किए गए जिसमें आयुष के तहत यूनानी और होमियो को हजफ कर दिया गया। इससे जाहिर होता है कि मरकजी और रियासती सतह पर यूनानी को ख़त्म करने की साजिशें की जा रही है। जूनियर डॉक्टर्स ने इस सिलसिले में निजामिया यूनानी दवाखाना व तिब्बी कॉलेज चारमीनार के अहाते में एहतजाज को जारी रखा हुआ है। पेश है इस खसूस में एहतजाज के कुछ झलकियाँ और साथ ही यूनानी डॉक्टर्स के ख्याल। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तुबा नाज है और हम यहाँ पर गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर सब जमा हुए हैं अपने इंसाफ के वास्ते, डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वालिटी जो हम लोग पर हो रही है वो हटाने के वास्ते। यहाँ पर आयुष में आयुर्वेदा को सिर्फ सीट दिए गए हैं गवर्नमेंट की और यूनानी आयुष में से सिर्फ एक के वास्ते इक्वालिटी है और हर चीज़ में उन लोग को ही आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं मगर बाकी के जो युष वाले हैं उन लोगों को हर चीज़ में पीछे कर दे रहे, आगे बढ़ाने की कोई जस्तजू नहीं दिखा रहे और ख़ास करके युष वालों को जो होम्योपैथी यूनानी और आगे जितने भी यहाँ पर हमारे कोर्सेज है उसमें से सबको टर्मिनेट करके उन लोग को बेरोज़गार कर दे रहे। हम यहाँ पर 5.5 साल अपने घरों से दूर इसलिए रह रहे ताकि हम आगे कुछ कर सकें, हमारे माँ बाप के वास्ते उनका नाम रोशन कर सके और अपने अपने फील्ड में माहिर हो सके, मगर यहाँ पर आने के बाद तो हम लोग को 5.5 साल की डिग्री लेके सिर्फ घर पे बैठ के वॉल पे चिपकाने के वास्ते नतीजे दिख रहे जो कि हम इसके वास्ते यहाँ पर नहीं आए। हम आगे बढ़ के आगे कौम की खिदमत करके और अपने फील्ड को माहिर करने के वास्ते ताकि आने वाली पीढ़ी और गई सो पीढ़ी हमेशा यादगार रहना इस हमारे इंडिया में, इसलिए हम लोग यहाँ पर ठहरे वाले हैं। तो इंशाल्लाह आप सब भी आइए, हम लोग को ज्वाइन कीजिए और हम लोग का साथ दीजिए और हमारे रिजल्ट्स में कामयाबी आई बोल के दुआ कर दीजिए।